किसी भी कल्चर को समझने के सबसे आसान तरीका यह है कि इस मुल्क की मौसीकी को सुना और समझा जाए। क्योंगनाम सेंटर की जानब से माइग्रेट सॉन्ग फेस्टिवल मनोदित किया गया। इस सिलसिले में एमबीसी मसान की तकरीब एक मिसाल है, जिसके तावन से कल्चर का तबादला हुआ, मौसीकी के जरिए दूसरे कल्चर तहजीब को समझा गया। गुज़िश्ता 13 दिसंबर के दिन छांगवान ग्रीन हॉल में तारकिन वतन के लिए गानों के प्रोग्राम माइग्रेंट सॉन्ग फेस्टिवल का सबसे बड़ा मुकाबला मनक़द हुआ, जिसमें 22 टीमों ने शिरकत की। ये 22 टीमें कोरिया के 6 मुख्तलिफ अदलात से शिरकत के लिए आई थीं, जो कि ज़िले सॉन्ग फेस्टिवल मुकाबले में जीतने के बाद आगे आई थीं। इन मुकाबलों में शामिल होने वालों का ताल्लुक ज़िंदगी के हर शोबे से था, जिनमें वो तारकिन वतन भी शामिल थे जिनका ताल्लुक बर्मा से था, जो कि पहले महाजर था लेकिन अब वो चाइनीज कोरियन बैंड से मुंसलिक है। अब इस गर्मा गर्म मुकाबले में शामिल होने के लिए तैयार है। कुछ लोगों ने गाने भी गाए और कोरियन लबो लहजा ऐसा था कि जैसा लगता है कोई कोरियन गाना गा रहा हो। कोरिया में मुकीम गैर मुल्की तारकिन वतन मजदूर और शादीशुदा तारकिन वतनों में आधी तादाद खवातीन की है। एक मशहूर तारकिन वतन गुलूकार कोरियन सोसाइटी में तारकिन वतनों के लिए पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि मौसीकी के इस मुकाबले में जीतने वाला गुलूकार हकीकी मानों में सुपरस्टार बनेगा।